तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता है, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है और जो है हमारे पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है, उसको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। उस अवसर पर हम आपका सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सिंह जी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर दो शब्द कहें और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी सम्मान्य साथियों और पदाधिकारियों, आज हम यहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो कि देश के प्रमुख समाजवादी विरोधा हैं, उनका आज 82वां जन्मदिवस यहां पर हम मना रहे हैं और अभी जिला और महानगर समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथियों द्वारा उनके इस उपलक्ष्य में अभी ये दीनदयाल जो हमारा उपाध्याय हॉस्पिटल है उसमें मरीजों में फलों का वितरण किया है और उनकी जीवन की सताए होने की सभी ने कामना की है। और इसके बाद हमारी एक विचार गोष्ठी होगी वेलवेट ग्रीन जो होटल है हमारे आमिर भाई का, वहाँ पर इस संदर्भ में विचार गोष्ठी होगी। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 50 साल से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी विचारधारा को पनपाने के लिए, देश में पनपाने के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रमुखता से कार्य किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और आज हम सभी मिलकर के उनके सताए होने की कामना कर रहे हैं। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए और भी हमारे साथी थे तो इधर उधर बिखरे हुए हैं। मैं सभी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला और महानगर की जो इकाइयाँ हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत